जरा ध्यान से देखेंगे क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। क्या दिया हुआ है? इफ tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 एंड tan a प्लस बी इक्वल टू √3 फाइंड a एंड b। क्या लिख रहा है कि tan a माइनस बी का वैल्यू 1/√3 दिया हुआ है और tan a प्लस बी का वैल्यू √3 दिया हुआ है और हम लोग को बोल रहा है कि a और b का वैल्यू फाइंड करना है। किसका वैल्यू फाइंड करना है? a और b का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पे अगर tan है तो यहाँ चेक करना होगा कि tan कितना का वैल्यू 1/√3 होता है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 जो होता है वो tan 30° का होता है। ठीक है, tan tan यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 30°। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक, और फिर क्या दिया हुआ है? अगेन हम लोग के पास है tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। तो यहाँ से tan a प्लस बी, अब √3 कितना, √3 किसका होता है? tan 60° का। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60°। ठीक है, tan tan कैंसिल कर देंगे, a प्लस बी इक्वल टू 60°। ये हमारा इक्वेशन टू। ठीक, अब चूंकि हमको a और b का वैल्यू फाइंड करना, a और b का वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, क्या हो जाएगा, इधर से a माइनस बी हो गया और इधर से हमारा a प्लस बी ऐड कर देंगे और इधर से हो जाएगा ये 30 और यहाँ पे 60, तो 30 प्लस 60 हो गया। ठीक है, माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, ए ए कितना हो गया 2a इक्वल टू 90° हो जाएगा, यहाँ पे 30°, 60°, तो a बराबर कट होके ये हमारा 45° आ गया। ठीक है, a का वैल्यू कितना आ गया, 45°। अब क्या करेंगे, इस a का वैल्यू को इक्वेशन वन में पुट कर देंगे या टू में, किसी में भी पुट कर सकते हैं। अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या होगा, a के जगह पे कितना रख देंगे, 45° माइनस b इक्वल टू 30°। अब b को उधर ले चलेंगे, इसको इधर लेंगे, तो 45° माइनस 30° इज इक्वल टू क्या होगा, b। अब 45 में 30 माइनस कर देंगे, 15° इज इक्वल टू b, तो जो b का हमारा वैल्यू आएगा वो कितना होगा, 15°। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, इससे ये सब क्वेश्चन से आपको ये पता चल जाएगा, अगर आप ये सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक, इसका नेक्स्ट पार्ट हम बहुत जल्दी लाएंगे और जो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।